ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए और जो जो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे जगन्नाथपुरी या चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर दक्षिण भारत की यात्रा करते समय कई भक्तों को अनेक प्रकार के आदेश दिए। नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए कि तुम बंगाल में रहकर प्रचार करो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए। ऐसे नित्यानंद प्रभु तो नेचुरली स्वाभाविक रीति से भगवान के प्रति उनका प्रेम गाढ़ था। हाँ, बहुत सुंदर सेवा भी करते थे। ऑफ कोर्स चैतन्य नित्यानंद प्रभु जो है बलराम है स्वयं, तो ऐसी भी लविंग डिवोशनल सर्विस जो था, इस प्रकार की भक्ति तो थे ही। पर चैतन्य महाप्रभु जब आज्ञा देते हैं नित्यानंद प्रभु को कि तुम बंगाल में जाकर प्रचार करो, तो चैतन्य महाप्रभु सॉरी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हैं बड़े होते हुए भी। और सभी जगह जाकर सभी को प्रचार करने लगते हैं। और क्या प्रचार करते हैं? वो कहते हैं चैतन्य सेवा, चैतन्य गाओ, लो चैतन्य नाम, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाओ, चैतन्य महाप्रभु के नाम लो, जय चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य, इस तरह से नाम लो, चैतन्य जय भक्ति करे सही मोर प्राण। जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है वो मेरे प्राण है, ऐसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं। तो इस तरह से कहा गया है यहाँ पे, नित्यानंद प्रभु का भी आदेश है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम बंगाल में जाकर प्रचार करो, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी प्रचार किए, और नित्यानंद प्रभु आगे प्रचार करते समय आगे दूसरों को भी आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? चैतन्य सेवा। हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु है, गुरु तत्व है। और जो नित्यानंद प्रभु आदेश दे रहे हैं जीवों को, मतलब वो आदेश हमारे लिए है। भक्तों को जब नित्यानंद प्रभु आदेश देते हैं तो वो आदेश डायरेक्टली हमारे लिए है, और उनका आदेश है चैतन्य सेवा, चैतन्य गाओ, लो चैतन्य नाम। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा हैया। सभी चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, तो ये उनके आदेशों का पालन करना मतलब उनकी सेवा करना। तो कंक्लूजन में नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं कि चैतन्य सेवा,
तो चैतन्य महाप्रभु जो भी आदेश देते हैं वो पालन करो, और चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाओ। तो गुणगान, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाने से हमारी भक्ति में उन्नति होती है, प्रगति होती है, परिवर्तन होता है, हमारा बुद्धि जो है विवेक में परिवर्तन होता है। और चैतन्य नाम लो, मतलब लव चैतन्य नाम। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो भी भक्ति करेगा, चैतन्य जय भक्ति करे सही मोर प्राण, वो मेरा प्राण है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है, सभी अनुयायियों को चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार के आदेश दिए। नित्यानंद प्रभु को आदेश बंगाल में जाकर प्रचार करने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन में जाकर प्रचार करने के लिए कहा, और वृंदावन के लिए उन्हें आदेश देते हैं, तुम्हें करी भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करी उद्धार। चार प्रकार का उन्होंने आदेश रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दिए, एंड स्पेशली सनातन गोस्वामी को, क्या ब्रॉडकास्ट भक्ति शास्त्रेर प्रचार। भक्ति शास्त्रेर प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण। भक्ति शास्त्र, भक्ति शास्त्र मतलब ग्रंथ। तुम्ही करिह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, भक्ति शास्त्र का प्रचार मतलब ग्रंथों का वितरण करना या ग्रंथों को लिखना। मथुराय लुप्त तीर्थर करिह उद्धार, वृंदावन में जो जो तीर्थ स्थलियां है लुप्त हो चुकी है उनका उद्धार करो, उनका उजागर करो, वापस पुनः स्थापित करो। स्पेशली गोवर्धन, अन्य कुंड, अन्य लीलाएं जो स्थली है, निधिवन, राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे अन्य लीलाओं स्थलियों का क्या जो लुप्त हो चुके हैं उनका उद्धार करो, मतलब उनका उजागर करो, उनको वापस पुनः स्थापित करो। नहीं तो कैसे पता चलेगा भक्तों को कौन सा राधा कुंड है, कौन सा ये कुंड है, कौन सी ये लीला स्थली है। तो खास करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये श्रेय जाता है, वृंदावन धाम की स्थापना पुनर्स्थापित उन्होंने किया। वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार। ये चार प्रकार का आदेश जो है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देते हैं, क्या है? भक्ति शास्त्र प्रचार पहला आदेश। दूसरा आदेश है मथुराय लुप्त तीर्थेर उद्धार, जो लुप्त हो गई है स्थलिया उनका उजावर करो, ठीक है, उनको वापस पुनः स्थापित करो। और वृंदावने कृष्ण सेवा, समझ गया ना, वृंदावने कृष्ण सेवा, तो कैसा कृष्ण सेवा? बाय एस्टैब्लिशिंग टेम्पल्स, विग्रहों की स्थापना करके, जैसे राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, इस तरह की मंदिरों की स्थापना करके कृष्ण की सेवा शुरू करो। और वैष्णव आचार, वैष्णव एटिकेट्स पर ग्रंथ लिखो, जो उन्होंने लिखा था हरिभक्ति विलास, वैष्णव आचार पर ग्रंथ है सब, वैष्णव एटिकेट्स। दीज फोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे आर गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु टू सनातन गोस्वामी एंड अदर आचार्यस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है,
तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्ण भावना अमृत की स्थापना की। इन चार चीजों को लेकर शास्त्रेर भक्ति शास्त्रेर प्रचार, ग्रंथों का वितरण और ग्रंथों का मतलब ग्रंथों को लिखना, दूसरा लुप्त हुए स्थानों का वापस उजागर करना, मंदिरों की स्थापना करना मतलब अर्च विग्रहों की स्थापना करना और उनकी सेवा, और चौथा है आचरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कई भक्तों को आदेश दिए, प्रभु आज्ञा कैला सब शास्त्रेर विचार। अब ये काम यहां तक ही खत्म नहीं हुआ, आदेश जो है यहां तक ही खत्म नहीं हुआ, आगे आदेश है हम जैसे भक्तों के लिए। क्या है? प्रभु आज्ञा कैला सब शास्त्रेर विचार। विल कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस? सब शास्त्रेर विचार और क्या, व्रजेर निगूढ़ भक्ति करील प्रचार। इतना तक ही काम नहीं चलेगा, आगे क्या करना है? जो आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ है उनको ढंग से पढ़ना और उस पर विचार करना, शास्त्रेर विचार। क्या लिखा गया है, क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या लेसन हमें बताना चाहते हैं, और फिर इस तरह से पढ़ेंगे हम शास्त्रों को तो व्रजेर निगूढ़ भक्ति, तो गूढ़ भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होगी। और ये भक्ति स्थापित होने के बाद उधर ही नहीं रहना है, करील प्रचार, इसको भी प्रचार करो तुम। जो तुम्हें भक्ति का अनुभव हुआ है, निगूढ़ भक्ति करील प्रचार। तो हमारे लिए जो है, आचार्यों के लिए जो डायरेक्ट आदेश दिए थे चैतन्य महाप्रभु, कौन से आदेश? भक्ति शास्त्र प्रचार, मथुराए लुप्त स्थान उजागर करना, भगवान की सेवा, मंदिरों की स्थापना करके भगवान की सेवा शुरू करना, और आचरण, भक्तों के आचरण पर ग्रंथों की रचना, मतलब वैष्णव एटिकेट्स जो है कैसे होने चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर भी लिखना, तो हम स्वयं उसको आचरण कर कर अन्यों को बताना। ये चार उनके लिए डायरेक्ट था। और हमारे लिए शिक्षा जो है, प्रभुर आज्ञा कोइलो सब शास्त्र विचार। अभी इन शास्त्रों को पढ़ना, विचार करना उसके ऊपर, बार बार विचार करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बार बार विचार करते रहेंगे तो होगा क्या? व्रजेर निगूढ़ भक्ति, हमारे हृदय में व्रजेर निगूढ़ भक्ति, गूढ़ भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होगी। और करील प्रचार, इस निगूढ़ भक्ति का प्रचार करना। तो क्या है, एक तो मतलब वैष्णव एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार, शास्त्रीय विचार मतलब प्रभुर आज्ञा, प्रभुर का आज्ञा क्या था? शिष्टाचार, आज्ञा का पालन करना मतलब शिष्टाचार, गुरु का आज्ञा, भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार, शास्त्रीय विचार एंड प्रचार। इज इट क्लियर? हरे कृष्णा, कंसनी सुदन, इट ओके, अंडरस्टैंडेबल? यस। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने आचार्यों को जो आदेश दिए थे चार, उसका पालन करना वो शिष्टाचार।
समझ गए ना, शास्त्र विचार एंड करिल प्रचार, ये तीन महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना, शास्त्रों पर विचार करना और उसका प्रचार करना। इज इट क्लियर? तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर अनेक भक्तों के लिए अनेक प्रकार के आदेश दिए, जैसे नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए बंगाल में जाकर प्रचार करो, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आदेश दिए वृंदावन में जाकर रहो और इन चार चीजों का पालन करो। मंदिरों की स्थापना करना, मतलब अर्च विग्रह की सेवा शुरू करना, वैष्णव जैसे वैष्णव आचार, वैष्णव के वैष्णव आचरण के ग्रंथ लिखना, और क्या भक्ति शास्त्र प्रचार जो लिखे है उसका प्रचार करना, और हमारे लिए आदेश है शिष्टाचार, शास्त्र प्रचार विचार, सॉरी प्रचार नहीं विचार, और फिर उसका प्रचार। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद ने जो लिखे ग्रंथ है, हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे है, अच्छी तरह ध्यान पूर्वक उसे पढ़ना और उसके ऊपर विचार करना कि क्या कहा गया है, और हमारा अनुभव का फिर प्रचार करना। हमारे रियलाइजेशंस, हमारे साक्षात्कार, हमें जो ग्रंथों को पढ़कर होता है उसका प्रचार करना। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।